सिक्किम के बारे में मैं कहना चाहता हूं। सिक्किम में कुल 32 विधायक होते हैं, तो वहां पर एक पार्टी एसडीएफ नाम की पार्टी है, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, वो 25 साल से वहां पे उसकी सरकार थी और पवन कुमार चामलिंग उसके मुख्यमंत्री थे। बीजेपी ने 31 उम्मीदवार खड़े किए अपने बलबूते पे, सारे हार गए, ज्यादातर लोगों की जमानतें जब्त हो गई, बीजेपी के जो अध्यक्ष है वो भी वहां पे हार गए, और 32 में से 31 सीट एसकेएम ने अपने बलबूते पे जीती। अगर ये लोग उनके साथ होते गठबंधन में तो बोलते कि हमारी वजह से जीता, लेकिन उसने इनके बगैर जो है वो 32 में से 31 सीट जीती। और वहां के जो सीएम थे, जो 25 साल सीएम रहे पवन कुमार चामलिंग, उन्होंने दो जगह से चुनाव लड़ा और दोनों जगह से हार गए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग 10 साल सरकार चलाने के बाद ये समझ रहे हैं कि हम अजय हो गए, अब हमको कोई हरा नहीं सकता, उनको चामलिंग से सबक सीखना चाहिए। वो 25 साल मुख्यमंत्री था, इसके बावजूद पिछली बार कम से कम विधायक बना, इस बार विधायक भी नहीं बन सका, दोनों जगह से हार गया। तो चुनाव ऐसा भी होता है और चुनाव में ऐसे भी नतीजे आते हैं, ये बात भाजपा को और प्रधानमंत्री मोदी को याद रखना चाहिए। शुक्रिया मंत्री जी। एग्जिट पोल के बारे में तो ये कहना पड़ेगा कि वो एक चुटकुला है, तो चुटकुले पे कोई विश्लेषण नहीं हो सकता। अब चुनाव की गिनती शुरू होने में सिर्फ 13-14 घंटे बाकी हैं और हमारी जो ईवीएम मशीन है वो आप कह सकते हैं कि अब गर्भवती है और वक्त जो है वो तेजी के साथ नजदीक आ रहा है। मेरा ख्याल है कि अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई तो इंडिया गठबंधन जीत जाएगा, और अगर ऑपरेशन हुआ तो फिर एनडीए की जीतने की संभावना निकल आएगी। अब ये ऑपरेशन की तैयारी भी शुरू हो गई है। मैं दो उदाहरण देता हूं। एक खबर तो ये घूम रही है कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने तकरीबन 150 डीएम को फोन किया। अमित शाह का छवि ऐसी बनी हुई है कि उनके फोन का मतलब ही धमकी होता है, मतलब ये उनका पुराना कारोबार है लोगों को डराना धमकाना। जब वो मंत्री नहीं थे गुजरात में उस वक्त भी यही करते थे और अभी देश के गृह मंत्री बनने के बाद भी यही करते हैं। दूसरा जो उदाहरण मैं देना चाहता हूं वो अभी चंद घंटे पहले की है। वो लोग जो ये दावा कर रहे थे कि हम तो भाई 400 पार करने वाले हैं और एग्जिट पोल ने भी जिनका समर्थन कर दिया, उन लोगों ने कि एक विशेष बैठक हुई। आप ये देखिए कि वो बैठक कहाँ होती है। वो बैठक हुई है बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पे, और आप ये भी देखिए कि उसमें कौन लोग जो है वो शामिल होते हैं। उस बैठक में आने वाला पहला नाम है अमित शाह का खुद, दूसरा नंबर नाम है राजनाथ सिंह का, तीसरा नाम है महाराष्ट्र के विनोद तावड़े साहब का, कि जिनको हमारे उप मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र से तड़ी पार करके रखा हुआ है, और चौथा नाम जो है वो आरएसएस के बहुत ही खास आदमी जो बीजेपी में मौजूद हैं, वो बीएल संतोषी का। तो आप ये देख लें कि ये पांच लोग जमा हुए और उसके बाद विनोद तावड़े ने बाहर आकर के लोगों को बताया कि हमने जो है वो समीक्षा की और चुनाव की समीक्षा की। अरे भाई चुनाव खत्म हो गया 1 तारीख को, आप समीक्षा कर रहे हैं 3 तारीख को, बीच में 2 दिन आप क्या कर रहे थे? और फिर हमने देखा कि वोट क्यों कम पड़ा, तो अब तो कम पड़ा ज्यादा पड़ा, पड़ गया, पहले के बाद सोचना चाहिए था, दूसरे के बाद सोचना चाहिए था। 7 चरण गुजर गए, अब आप जो है ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वोट क्यों कम पड़ा। तो इस तरह की बातें उन्होंने कही।
जी का जो संवाददाता वहां मौजूद था, उससे स्टूडियो वाले ने पूछा कि भाई इस तरह की मीटिंग में होता क्या है। तो उसने बताया कि इस तरह की मीटिंग में जो है वो बीजेपी हर चरण के बाद 6-7 सर्वे, 4-5 सर्वे कराती है, और उसमें भी वो सब सर्वे सामने आया होगा उसका लेखा जोखा। और फिर उसने अपनी तरफ से बढ़ा दिया कि उन सर्वे के बारे में, पहले तो उसने कहा कि मुझको नहीं मालूम क्या हुआ अंदर, बाद में बोला कि उन सर्वे का नतीजा भी वही है जो कि हमारे जो है वो एग्जिट पोल में आया है। तो ये जो काम हुआ है, ये दरअसल ऑपरेशन करके अपने फेवर में नतीजा निकालने की एक कोशिश। एक और दिलचस्प खबर सामने आई, वो ये है कि पलटू राम नीतीश कुमार साहब दिल्ली आ गए, और उन्होंने जो है वो इन पांचों में से किसी से मुलाकात नहीं की, वो सीधे प्रधानमंत्री से मिलने चले गए। अब जब वो प्रधानमंत्री से मिलने गए तो लोगों ने अटकल शुरू कर दिया कि अब शायद जो है वो अब बीजेपी जेडीयू की सीटें कम आएंगी, तो बीजेपी चाहेगी कि बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाए, तो नीतीश कुमार को जो है वो केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा, और पहले जो है वो बीजेपी अपने सहयोगियों को हल्के फुल्के मंत्री पद, मंडल मंत्री पद देती रही है, तो अब कोई बड़ा मंत्री पद दिया जाएगा। हालांकि मोदी की कैबिनेट में कोई मंत्री पद बड़ा नहीं है, सिर्फ एक ही मंत्री पद है, वो है प्रधानमंत्री का, बाकी तो कोई सारे संतरी बैठे हैं वहां पे सर हिलाने के लिए नंदी बैल की तरह। तो अगर नीतीश कुमार को कोई बड़ा मंत्री पद मिल भी जाएगा तो वो सर हिलाने के अलावा और हाजी हाजी करने के अलावा कुछ नहीं कर सकेंगे। मैं आखिर में, कल दो चुनाव के रिजल्ट आए हैं। देखिए ये जो चुनाव हुआ लोकसभा का, इसके साथ 4 राज्यों में भी चुनाव हुए, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, तो इन दोनों का रिजल्ट तो कल आएगा। लेकिन दो छोटे राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, इसका जो चुनाव रिजल्ट है ये कल आ गया, मतलब एक कल आएगा और एक कल आ गया। ये बात समझ में नहीं आती कि जब सारे रिजल्ट 4 तारीख को आने वाले हैं तो इन दो राज्यों का जो है वो नतीजा 2 तारीख को क्यों आया। जब मैंने सोचा तो मुझको ऐसा लगा कि जब कोई बड़ी फिल्म आने वाली होती है तो उसके पहले उसका ट्रेलर आता है, तो ट्रेलर से अंदाजा होता है कि आगे जो फिल्म आने वाली है वो कैसी होगी। तो अगर आप ये ट्रेलर को देखें तो इसमें से एक जगह अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी जो है वो उसने बहुत जबरदस्त कामयाबी दर्ज कराई। यानी आप ये समझ लें कि कुल 60 लोग हैं वहां के जो है वो विधानसभा में, वो 60 में से 45 तो अकेली बीजेपी जीत गई और 6 उसका सहयोगी दल जीत गया, यानी 60 में से 51 जो है वो एनडीए के लोग आ गए। लेकिन अरुणाचल प्रदेश का मामला ये है कि ये जो पीमा खंडू साहब अभी मुख्यमंत्री थे और आगे भी रहेंगे, इनके पिताश्री जो है वो कांग्रेस में थे, ये खुद भी 2016 तक कांग्रेस में थे और कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, मतलब कांग्रेस की पार्टी के मुख्यमंत्री थे। लेकिन 2016 में अचानक इन्होंने बगावत की सितंबर के महीने में, और एक पीपल्स अरुणाचल प्रदेश पार्टी बनाई, और 3 महीने के बाद वो जो है वो बीजेपी में आ गए। तो दिसंबर 2016 में ये साहब बीजेपी में आ गए, और अब ये हाल है कि जिसकी केंद्र में सरकार उसकी अरुणाचल प्रदेश में सरकार। तो अगर कल को सत्ता परिवर्तन हो जाता है दिल्ली में तो इनकी भी घर वापसी हो जाएगी। तो अरुणाचल का सबसे बड़ा जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये नहीं है कि वहां पर किसकी सरकार बनती है, वहां सबसे बड़ी समस्या जो है वो चीन की है। और ये समस्या के बारे में किसी कांग्रेसी ने आरोप नहीं लगाया, बल्कि 2019 में जो है लोकसभा के अंदर बीजेपी के जो सांसद हैं, तापर गाव नाम है, उन्होंने एक भाषण दिया, और उस भाषण में उन्होंने कहा था कि अगर मैं आज ये सच नहीं बोलूंगा तो आने वाली नस्लें मुझको माफ नहीं करेंगी।
हमारी सरकार यानी उनकी अपनी पार्टी की सरकार, बीजेपी की सरकार, और ये जो संचार माध्यम है, मीडिया है, ये पाकिस्तान के बारे में तो बहुत बोलता है लेकिन चीन के बारे में नहीं बोलता। उन्होंने कहा कि जब भी कोई केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह या प्रधानमंत्री या गृह मंत्री अरुणाचल आते हैं तो चीन वाले, चीन सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है वो उसके ऊपर उसको रोकती है, उसको जो है भर्त्सना करती है, लेकिन हमारी सरकार कभी उसका जवाब नहीं देती। और उन्होंने ये भी कहा था कि 50-60 किलोमीटर का एरिया चीन जो है वो हड़प कर चुका है, और उसके एक साल बाद 2020 में सैटेलाइट तस्वीरें आई जिसमें क्लियरली देखा जा सकता है कि एलओसी के अंदर भारत के उसमें चीन ने एक बहुत बड़ा गांव बसा दिया है, कॉन्क्रीट का गांव, आप गूगल में जो है वो तस्वीर देख सकते हैं। तो एक तरफ तो साहब चीन का इतना बड़ा संकट है और दूसरी तरफ हमारी जो सबसे बड़ी राष्ट्रभक्त पार्टी है वो जो है वो तोड़ फोड़ के अपनी सरकार बनाने की कोशिश में लगी हुई है। आखिरी बात सिक्किम के बारे में मैं कहना चाहता हूं, सिक्किम में कुल 32 विधायक होते हैं, तो वहां पर एक पार्टी एसडीएफ नाम की पार्टी है, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, वो 25 साल से वहां पे उसकी सरकार थी और पवन कुमार चामलिंग उसके मुख्यमंत्री थे। 2019 से पहले वहां पर बगावत हुई और प्रेम सिंह तमांग जो है वो उस एसडीएफ से बाहर आ गए और उन्होंने एसकेएम नाम की सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा बनाया। और पिछले इलेक्शन में 2019 में बीजेपी ने एसकेएम के साथ अलायंस कर लिया और अलायंस किया तो नतीजा ये निकला कि 17 सीट पर एसकेएम जीत गई और वो एसडीएफ 15 पे पहुंच गई, दोनों के बीच में 2 का फर्क था। बीजेपी के सारे उम्मीदवार पिछली बार 2019 में हार गए थे लेकिन सत्ता परिवर्तन हो गया, प्रेम सिंह की सरकार में बीजेपी भी शामिल हो गई। उसके बाद उसने विपक्ष को तोड़ा यानी एसडीएफ को तोड़ के उसके 10 विधायकों को अपने साथ किया। जो महाराष्ट्र में इन लोगों ने किया वही एक छोटी से राज्य सिक्किम में भी किया इन्होंने और 10 लोगों को अपने साथ किया। उसके बाद जब 2 वो हुए बाई इलेक्शन तो कहा कि भाई हमारे लोगों को लड़ने दो, तो वो प्रेम सिंह तमांग ने बीजेपी को लड़ने दिया तो 2 जीत गए उसकी मदद से। अब ये अपने आप को 12 के मतलब उसके 15 हमारे 12, तो इन्होंने बड़ा हिस्सा मांगा तो उसने देने से इनकार कर दिया, गठबंधन टूट गया। बीजेपी ने 31 उम्मीदवार खड़े किए अपने बलबूते पे, सारे हार गए, ज्यादातर लोगों की जमानतें जब्त हो गई, बीजेपी के जो अध्यक्ष है वो भी वहां पे हार गए और 32 में से 31 सीट एसकेएम ने अपने बलबूते पे जीती। अगर ये लोग उनके साथ होते गठबंधन में तो बोलते कि हमारी वजह से जीता, लेकिन उसने इनके बगैर जो है वो 32 में से 31 सीट जीती। और वहां के जो सीएम थे, जो 25 साल सीएम रहे पवन कुमार चामलिंग, उन्होंने 2 जगह से चुनाव लड़ा और दोनों जगह से हार गए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग 10 साल सरकार चलाने के बाद ये समझ रहे हैं कि हम अजय हो गए हैं, अब हमको कोई हरा नहीं सकता, उनको चामलिंग से सबक सीखना चाहिए। वो 25 साल मुख्यमंत्री था, इसके बावजूद पिछली बार कम से कम विधायक बना, इस बार विधायक भी नहीं बन सका, दोनों जगह से हार गया। तो चुनाव ऐसा भी होता है और चुनाव में ऐसे भी नतीजे आते हैं, ये बात भाजपा को और प्रधानमंत्री मोदी को याद रखना चाहिए। धन्यवाद।